हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा एनवायरनमेंट मिलकर के बनता है। तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है, बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट। इन्हीं को इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, एनवायरनमेंट क्या है, जो भी हमारे आसपास है, जो भी चीज़ें हमें सराउंड कर रही है, हमें आसपास में जिन भी चीज़ों से हमें अर्थ पर जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो आपकी ही हवा हो, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ तक कि आपके जो भी पेड़ पौधे हैं, जो अदर ऑर्गेनिज़म्स हैं, सब कुछ मिल करके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसको हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके की चीज़ें होती हैं या फिर किस कैटेगरी में हम उन चीज़ों को डाल सकते हैं जो हमारे आसपास यानी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। तीन मेजर कैटेगरीज है। सबसे पहले है आपका फिजिकल कंपोनेंट या फिर एबायोटिक कंपोनेंट। फिजिकल से ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसी चीज जिसमें लाइफ पॉसिबल ना हो, जो कि फिजिकली हमें दिख रही हो, हमारे पास हो, हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे पानी की अगर बात हो, इसमें लाइफ नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके का आपका फिजिकल कंपोनेंट है। आपका वाटर हो गया, आपका सॉइल हो गया, आपकी गैसेज हो गई, इनमें लाइफ नहीं है। लाइफ किस में होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इन सब में क्या है, लाइफ होता है। तो ये क्या होते हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है एनर्जी। एनर्जी क्या है, वो केवल फिजिकल ही नहीं बल्कि आपका ना फिजिकल की कैटेगरी में आएगा ना आपका बायोलॉजिकल, वो अलग हो जाएगा। एनर्जी की यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, सोलर एनर्जी हो सकती है, आपकी जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है, या अलग अलग तरीके की जितनी भी, इवन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये भी क्या है, एक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। कैसे, क्योंकि एनर्जी क्या है, समय समय पर ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है या एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके का एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। जो भी बायोटिक प्रोसेस, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स है या जो एबायोटिक है, इनके बीच में जब जब इंटरेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी का भी उसमें रोल रहता है, जैसे आगे हम लोग समझेंगे। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें हमने एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स को भी कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जैसे लिथोस फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ये जो आपके मेजर फिजिकल एनवायरनमेंट का या फिजिकल कंपोनेंट है जो एनवायरनमेंट का, उसके कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा बायोटिक में आपके प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। एनर्जी कंपोनेंट ये भी एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही फेमस आपका ये फिगर है जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कैसे हो सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड या ह्यूमन। ह्यूमन खुद भी एक तरीके का कंपोनेंट है। अब ह्यूमन कैसे है, ह्यूमन का जो आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करिए या उसके परिवार की बात करिए या एक समाज की बात करिए या एक धर्म को मानने वाले लोगों की आप बात करिए या ये स्कूल में जो लोग जा रहे हैं साथ में आपस में, वो भी एक तरीके का क्या है, एनवायरनमेंट का कंपोनेंट ही है। वो भी अपना एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। एक जो देश है या एक कॉन्टिनेंट है, ये सब मिलके अपना एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेचुरल में हमें पता है एयर, लैंड, वाटर, ये सारी चीज़ें आ जाती है, और ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाया, जैसे शहर में आपने देखा होगा रोड्स जो बनती हैं, ब्रिजेस जो बनती है, घर जो बनता है या बिल्डिंग्स बनती है, ये सारा क्या है, ह्यूमन मेड कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट होता है। हम लोग इन्हें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे चीजें जिसमें लाइफ तो नहीं है लेकिन जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है या फिर जो कि नेचर में ऑलरेडी आपके अवेलेबल है। जैसे तीन मेजर जो आपकी लेयर्स हैं या फिर स्फेयर्स ऑफ आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट है या अर्थ पे जो तीन मेजर स्फेयर्स है, वो कौन से हैं, आपके एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब जितने रॉक्स और मिनरल्स है, जो भी आप देखते हो, जो आप सॉइल देखते हो या जिस लैंड पे आप चल रहे हो, प्लेट्यू है, प्लेन है, ये सब आपका लिथोस्फेयर का पार्ट हो गया। जितना आपका हवा है, जो भी गैसेस है, जो भी आसमान के ऊपर का जितना पार्ट है, वो सब क्या है, आपका एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और हाइड्रोस्फेयर में क्या आते हैं, जितनी भी आपकी नदियां हैं, जितने भी आपके ओशियंस है, समुद्र है, ये सब हाइड्रोस्फेयर में। अब इन्हीं
सबके साथ में जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जोड़ देते हैं, यानी ये तो थे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट, इन्हीं के साथ में जब हम लोग बायोटिक को भी जोड़ देते हैं, यानी सारे स्फीयर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है आपका बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में ही लाइफ पॉसिबल होती है। देखो इन डिटेल हम लोग अब डिस्कस करेंगे लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर क्या है? ये जो आपकी आउटर या रिजिड जो लेयर ऑफ अर्थ है, जिसमें बेसिकली हम लोग अर्थ की क्रस्ट को मानते हैं, क्रस्ट यानी जो ऊपर का भाग है, कोर को हटा देते हैं हम लोग, कोर को लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं मानते, बाकी ऊपर का जो मेंटल का पोर्शन है और जो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसी को हम लोग लिथोस्फीयर का पार्ट मानते हैं। लगभग 100 किलोमीटर डेप्थ तक का हमारा लिथोस्फीयर माना जाता है, यानी ये जमीन के अंदर 100 किलोमीटर तक अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो वहां पे हम लोग उसको लिथोस्फीयर का ही पार्ट मानेंगे। देखो लिथोस्फीयर में भी अलग अलग तरीके की आप कह सकते हो लैंडफॉर्म्स होती हैं लिथोस्फीयर में। जैसे आपने देखा होगा हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती है, हर जगह कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो किस तरीके की फोर्स की वजह से या किस वजह से बनता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। ये क्या है? बेसिकली जो सबसे बड़े या आप कह सकते हैं जो मेजर लैंडफॉर्म्स है आपके जिसके अंदर बाकी सब आ जाता है, तो वो क्या होता है आपके कॉन्टिनेंट और ओशियन, और ये कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। सेकेंड होता है आपका सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, ये इसमें क्या आ जाता है आपका प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन, या आपके इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। इंडोजेनेटिक यानी इंटरनल फोर्सेस, यानी अर्थ के अंदर से जो फोर्सेज आ रहे हैं उनकी वजह से बनते हैं। फिर थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या है? ये ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जैसे आपका सैंड ड्यून बन गया, डेल्टा, बीच, और ये सब क्या होते हैं? ये एक्सोजेनेटिक यानी अर्थ के बाहर से। एक्सोजेनेटिक में मेन जो है आपका फोर्स का क्या हो सकता है या एनर्जी का भी जो सोर्स है वो सन है, फिर एटमॉस्फेयर हो गया, इन सबसे क्या होता है, इन सबसे जो फोर्सेज आते हैं उसकी वजह से आपके थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फिर आपका लिथोस्फीयर में क्या पार्ट आता है? सॉयल, रॉक, मिनरल, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट को हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, सॉरी फोर्सेस है जो कि आपके अर्थ क्रस्ट को बनने में या आपका जो लिथोस्फीयर है उसको सही स्ट्रक्चर देने में कौन से दो फोर्सेस है, दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस आपके इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक जो अर्थ के अंदर से आपकी फोर्सेस आती है, एक्सोजेनेटिक जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो बाहर से आपकी फोर्सेस आती है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको ये चार्ट अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी याद कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ये आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ते आए हो कि एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ एयर है, या फिर अलग अलग जो भी आपकी जितनी भी हवा है जो आपके अर्थ को सराउंड करती है चारों तरफ से, वो मिलकर के क्या बनाती है आपको एटमॉस्फेयर। जैसे हम पढ़ते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है, और ये लगभग आपके जो अर्थ से, अर्थ के सरफेस से लेके 10,000 किलोमीटर ऊपर तक भी आपका एटमॉस्फेयर पाया जाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कॉम्पोजिशन के हिसाब से इसकी कौन सी लेयर्स है। एक होता है आपका होमोस्फेयर, एक होता है हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो टाइप ऑफ गैसेज है ना वो एक जैसी होती है। जैसे जो आपका यहाँ मीसोस्फेयर तक का जब हम लोग जाएंगे तो इतना जो पार्ट होता है ये आपका होमोस्फेयर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसी गैसेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्पोजिशन में, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की गैसेज रहती हैं। इसके ऊपर क्या है, सब अलग कॉम्पोजिशन में अलग तरीके की गैसेज रहती है, यानी थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर क्या है गैसेज का जो नेचर है वो बदल जाता है। अब देखो एटमोस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी, आपको पता है? नाइट्रोजन है अराउंड 78%, फिर आपकी ऑक्सीजन आती है 21%, इसके बाद में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका आर्गन हो गया, आपका वाटर वेपर हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेज है। इम्पॉर्टेंट हमारी ये पांच लेयर्स भी है। सबसे जो पहली लेयर होती है वहाँ क्या है? ट्रोपोस्फेयर। इसमें जितनी भी क्लाइमेट की जो भी चेंजेस होते हैं या क्लाइमेट जो हमारा रेनफॉल और ये सब जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे जो भी आपके आपने देखा होगा एरोप्लेन वगैरह ये सब स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, फिर मेसोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर हो गया, सैटेलाइट वगैरह कहाँ पर जाती है? आपकी एग्जॉस्फेयर में रहती है, और एक और लेयर होती है आपकी ओजोनोस्फेयर, जहाँ पर आपकी ओजोन लेयर जो है वो रहती है जो कि सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी ऐसा अर्थ पर ऐसी जगह या ऐसी
ऐसे एरियाज, ऐसे स्फीयर्स जहाँ पर पानी हो। अब पानी कहाँ कहाँ पर होता है? नदी में होता है, समुद्र में होता है, आपका झील में होता है, हर एक चीज़ इस जहाँ पर पानी है वहाँ पर आपका हाइड्रोस्फीयर आएगा। रिवर्स, लेक्स, आपके ओशियन, सीज, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, हर एक चीज़ आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है। देखो हाइड्रोस्फीयर जो है वो किस प्रोसेस से चलता है, इसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। और वाटर साइकिल को यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस होती है, इवेपोरेशन यानी पानी का भाप बन करके ऊपर जाना। अब यही भाप जब आपका क्लाउड बनता है तो इसे कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद यही क्लाउड से जब बारिश होती है तो ये हो जाता है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से फिर कलेक्शन होता है आपका, यानी ये पानी फिर से आपका नदियों में या कहीं पर चला जाता है। एक और प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, यानी जो आपके जो प्लांट्स हैं उनसे भी क्या होता है, पानी इवेपोरेट होकर के ये एटमॉस्फेयर में जाता है, जो कि बाद में चल के क्लाउड्स बनते हैं। देखो जो हमारा जो अर्थ है इस पर 75% के अराउंड क्या है, पानी ही पानी है। लेकिन उसमें से भी जो 97% पानी है वो कहाँ पर है, आपका ओशियंस में ही है। तो इसका ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। फिर जो 2% है वो क्या है, वो ग्लेशियर्स में एक तरीके से आप कह सकते हैं जमा हुआ पानी है। फिर 1% जो है वो आपका फ्रेश वाटर हमारा 1% के अराउंड अवेलेबल रहता है। तो और इस फ्रेश वाटर पे भी हम लोग क्या है, इसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि इसमें से भी जो 70% है वो ज़्यादातर देशों में आपका इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, 20% जो है वो इंडस्ट्री के लिए, और लगभग 7-8% जो होता है वो आपका डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोटिक, और आपका बायोटिक कंपोनेंट्स को जानेंगे और बायोस्फीयर क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट मैंने पहले ही कहा, ऐसी चीज़ें जो लिविंग हो, जिनमें लाइफ हो, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सारी चीज़ें आपके बायोटिक कंपोनेंट है। और यही बायोटिक कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर में क्या क्या होता है, लाइफ होती है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे बायोस्फीयर में क्या होता है, क्या अलग है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इनसे बायोस्फीयर कैसे अलग है, क्योंकि इन सब में लाइफ नहीं है। लाइफ किस में है, लाइफ बायोस्फीयर में। और एक तरीके से इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। आप देखोगे अगर तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिगर में दिखाया है कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर यानी यहाँ जो हवा है, हाइड्रोस्फीयर ये जो पानी है, और लिथोस्फीयर यानी यहाँ जो ये लैंड है, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों में ही क्या होती है आपकी, ये अगर हम लोग तीनों को कंसीडर करें तो बायोस्फीयर बनती है, जहाँ पर जोन ऑफ लाइफ है, यानी जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो बायोस्फीयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इकोसिस्टम भी होता है, बायोडाइवर्सिटी भी होती है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। इकोसिस्टम मतलब ऐसा जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके लाइफ बना रहे हो, छोटे से छोटा भी हो सकता है। एक पॉन्ड में भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक नदी में भी इकोसिस्टम हो सकता है, पेड़ के अंदर भी इकोसिस्टम हो सकता है, आपके घर में इकोसिस्टम हो सकता है, आपके माइंड में, सॉरी माइंड में नहीं, आपके अलग अलग जगह पर इकोसिस्टम होता है, माइंड में आपके इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी, यानी अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म से अलग 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 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक्वेटिक एनिमल है। आपने देखा होगा ना, हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी। जो बायोस्फीयर है वो नॉर्थ और साउथ पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आजकल जो MCQs आते हैं उसके हिसाब से आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बायोस्फीयर कहाँ नहीं एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ और साउथ पोल, यानी नॉर्थ और साउथ पोल में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। लास्टली हम लोग देखेंगे एनर्जी कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। देखो दो थर्मोडाइनमिक्स के जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या लॉ कहता है कि आपका जो एनर्जी है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो केवल और केवल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो किसी भी एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी के फॉर्म में जाते वक्त कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, जिसको आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये दो जो आपके लॉज है यही गवर्न करते हैं एनर्जी को। सन मेजर सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर भी, और आप देखो यूनिवर्स में भी जो है वो सन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। तो अर्थ पर जो भी हीट के फॉर्म में जो भी एनर्जी आती है उसी से क्या होता है आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स ये सब होते हैं। कैसे, आपने
फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट की मदद से प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं, इसी मतलब प्लांट्स अपना जो भी फ्रूट और फूड बनाते हैं उसी की मदद से क्या आपके कंज्यूमर्स क्या है जैसे आपके जो वेजिटेरियन एनिमल्स है या इवन आपके जो ह्यूमंस है वो लोग क्या करते हैं इसको कंज्यूम करते हैं। उसके बाद या जो उसके बाद क्या होता है आपके जो डीकम्पोजर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स है जो कि आपके इन्हीं लोगों को, जैसे शेर है तो वो क्या करता है सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो क्या करता है वो भेड़ बकरी को या इन सब जानवरों को खाता है। फिर धीरे धीरे इनकी बॉडीज को कौन खाते हैं, डीकम्पोजर्स, और फिर क्या हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फूड बनता है। और ये क्या है, ये एनर्जी वापस से प्रोड्यूसर्स तक ही जाती है, पूल बनता है, यानी ये जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स है या ये सारी चीज़ें वो डीकम्पोजर्स के साथ मिट्टी में फिर से आ जाती है और मिट्टी से ही आपको फिर से एक तरीके से प्रोड्यूसर्स जो है, प्लांट जो है वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं हमारे आसपास, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, आपने रेडिएशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फिर आपका एनर्जी रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, कोल, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपका एनवायरनमेंट का। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।